अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आकिब और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन स्कॉलरशिप्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रिन्यूअल फॉर्म कैसे अप्लाई किया जाए। पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि इसका न्यू फॉर्म NSP स्कॉलरशिप का न्यू फॉर्म कैसे अप्लाई करते हैं 2021-22 का। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले कि रिन्यूअल फॉर्म 2021-22 का रिन्यूअल जो है वो अप्लाई कैसे करें। जैसे पहले कई लोगों ने न्यू फॉर्म अप्लाई किया, तो अभी और रिन्यूअल कैसा उसको कर सकते हैं, तो ये आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में बात करने वाले। तो आप हमारे चैनल पर रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिएगा। मैं आ चुका हूँ इस स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर, यहाँ पर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप में जितने भी स्कीम होते हैं उनके ऊपर मैंने वीडियो डिटेल्स में वीडियोस बना दिए है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाकर भी जिस भी स्कीम में आप देख सकते हैं वीडियो। अगर आप किसी भी में भी एलिजिबल होंगे तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। न्यू अप्लाई करने का भी मैंने वीडियो बना दिया है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर आने के बाद देखिए लॉगिन पर क्लिक करेंगे, लॉगिन पर देखिए फ्रेश 2021-22, तो यहाँ पर फ्रेश नहीं, यहाँ पर देखिए रिन्यूअल का ऑप्शन है ना, रिन्यूअल पर क्लिक करेंगे। रिन्यूअल पर जैसे ही क्लिक करते हैं वैसे ही कुछ इस तरह का फॉर्म आपके सामने नज़र आता है। तो यहाँ पर पिछले टाइम की जो एप्लीकेशन आईडी थी वो आपको यहाँ पर डालनी है। तो यहाँ पर मैं मेरे पिछले टाइम की एप्लीकेशन आईडी है वो यहाँ पर फिल करता हूँ। फिल करने के बाद यहाँ पर पासवर्ड, फिर उसके बाद ये जो कैप्चा नज़र आ रहा है आपके सामने वो यहाँ पर आपको फिल करना है। जैसे ही कैप्चा फिल करते हैं, कैप्चा फिल करने के बाद ये देखिए यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आपका नज़र आएगा, ये आपका बताएंगा एप्लीकेशन आईडी और आपका जो नेम रहेगा वो। तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन ऑफ रिन्यूअल, इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं, इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं वैसे ही कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने नज़र आएगा। तो यहाँ पर आपको आपकी इन्फॉर्मेशन डालने के लिए बोलेगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर रिन्यू ऑफ स्कीम, ये जो स्कीम है उसको भी रिन्यू ऑफ, ये जो स्कीम है ना, ये देखिए सबसे पहले देखिए रिन्यू ऑफ स्कीम यहाँ पर देखिए। फिर उसके बाद स्टूडेंट नेम है, ये फादर नेम है, फिर उसके बाद कम्युनिटी कैटेगरी है, फिर उसके बाद ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सब वैसे ही रहती है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये वेरीफाई है क्योंकि इससे पहले भी मैंने न्यू अप्लाई किया था तो तभी वेरीफाई हो चुकी है, इसलिए आप इसको अभी हाथ नहीं लगा सकते। उसके बाद ये देखिए कंफर्म आधार नंबर, यहाँ पर आपको आधार नंबर फिल करना पड़ेगा। यहाँ पर तो फिल है लेकिन ये नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी आपको आधार नंबर आपका फिल करना पड़ेगा। जैसे आधार नंबर फिल करते हैं ये देखिए ये जो रिन्यूअल की इन्फॉर्मेशन है वो फिल करनी है आपको। सबसे पहले एनुअल इनकम आपका फिल करना होगा, फिर उसके बाद ईमेल आईडी कुछ चेंज हुई रहेंगी तो वो फिल कर सकते हैं, नहीं तो जो है वही डाल के सबमिट पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद डे स्कॉलर हॉस्टल स्कॉलर कुछ चेंज हुआ रहेगा तो वो डाल के यहाँ पर करना है। फिर उसके बाद प्रेजेंट क्लास कौन सी है आपकी, प्रेजेंट ईयर, तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर है सेकेंड ईयर है तो वो डाल के यहाँ पर देखिए क्लास स्टार्ट डेट वो डालने का है। फिर उसके बाद प्रीवियस क्लास में कितने आपको परसेंटेज मिले वो अब तक यहाँ पर ओपन नहीं हुआ है, वो आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। वो ज़रा आप वेट कीजिए, ओपन हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर फिल कीजिए। फिर उसके बाद एनुअल रजिस्ट्रेशन, ये आप मैंडेटरी नहीं है। फिर उसके बाद ईयर ऑफ एडमिशन, ये भी मैंडेटरी नहीं है। फिर उसके बाद देखिए रोल नंबर और सेक्शन, ये सब मैंडेटरी नहीं है, आप डालना चाहे तो यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर उसके बाद अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले क्या क्या चाहिए वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यहाँ पर से मैं बताता हूँ आपको, ये देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ना, ये चाहिए। यहाँ पर देखिए अपलोड पर क्लिक करके मैं भी बताता हूँ, अपलोड पर जैसे ही क्लिक करते वैसे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने नज़र आता है। तो यहाँ पर देखिए सर्टिफिकेट नेम लिखना है, फिर उसके बाद प्लेस ऑफ इशू यहाँ पर लिखना है, डेट ऑफ इशू यहाँ पर इशू लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट भी अपलोड कर सकते हैं फाइल को चूज़ करके, यहाँ देखिए आपको बता रहा हूँ कैसे अपलोड करना है वो, ये देखिए कोई भी है आप यहां से कोई भी अपलोड कर सकते हैं। आपको अगर इमेज आपकी कोई भी होंगी ना तो आप यहां पर से अपलोड भी कर सकते हैं उसको, जैसे कि ये इमेज अपलोड भी यहां पर अपलोड नाउ पर क्लिक करके ये इमेज यहां पर देखिए आ चुकी है।
यहाँ पर अपलोड नाउ पर क्लिक करके अपलोड करनी है। मुझे अभी ये इमेज अपलोड नहीं करनी है, मैंने आपको फॉर एग्जांपल करके दिखाया कि कौन सी आप अपलोड कर सकते हैं कैसे। फिर उसके बाद देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसके बाद यहाँ पर अपलोड पर जैसे ही क्लिक करते हैं वो अपलोड हो जाएगा, वैसे मैंने बताया ना उसी तरीके से आप अपलोड करना है। फिर उसके बाद देखिए स्टूडेंट फोटोग्राफ, ये अपलोड पर क्लिक करके यहाँ पर अपलोड करना है। फिर उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो होता है ना वो यहाँ पर अपलोड करना पड़ता है, वो अपलोड पर क्लिक करके अपलोड करना है। फिर सेल्फ अटैच सर्टिफिकेट ऑफ प्रीवियस के जो मार्कशीट होंगी वो अपलोड पर क्लिक करके यहाँ पर अपलोड करेंगे। ये सब डॉक्यूमेंट्स होने के बाद ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये आपको बताता हूँ मैं, ये देखिए फीस रिसिप्ट ऑफ करंट कोर्स, ये जो करंट आपको कोर्स रहेंगे अभी जो कोर्स कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर कोई बीटेक बी की कोई कोर्स वगैरह कुछ कर रहे हैं तो यहाँ पर उसकी फ़ीस रिसिप्ट है वो डालनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट, ये बहुत ज़रूरी होता है, ये आपको यहाँ पर डाल के अपलोड पर क्लिक करके अपलोड करना है इनकम सर्टिफिकेट। तो ये अपलोड करने के बाद प्रूफ ऑफ बैंक में यहाँ पर आपको बैंक की डिटेल यहाँ पर डालनी है, तो यहाँ पर पासबुक भी डाल सकते हैं अपलोड पर क्लिक करके अपलोड। फिर उसके बाद बोनोफाइड ऑफ इंस्टीट्यूट, यहाँ पर बोनोफाइड अपलोड पर क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर से डाउनलोड भी कर सकते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको कैसे डाउनलोड करना है। ये देखिए ये जो बोनोफाइड आप डाउनलोड करेंगे ना तो यहाँ पर आपका फ़ोटो आएगा, ये जो आपको सेक्शन दिखा रहा है यहाँ पर फ़ोटो आएगा, फिर ये ऐसा आपकी पूरी इंफॉर्मेशन आएगी। और यहाँ पर आपको आपका रोल नंबर लिखना पड़ेगा, ये जो है ना सेक्शन, यहाँ पर आपको आपको रोल नंबर लिखना पड़ेगा। रोल नंबर लिखने के बाद ये सब आ जाएगा, इसके प्रिंट लेना, प्रिंट लेके ही सब करना है, प्रिंट लेके फ़ोटो चिपकाना है, रोल नंबर लिखना है। फिर ये देखिए इंस्टीट्यूट के जो हेड रहेंगे जैसे अब प्रिंसिपल है उनके सिग्नेचर और यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर स्कूल की सील जो होती है ना स्टैम्प, वो यहाँ पर लेना है। वो सब लेने के बाद इसको इसकी एक फ़ोटो क्लिक करनी है, फ़ोटो क्लिक करके यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करके अपलोड करनी है। ये देखिए अपलोड है ना यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करके अपलोड करना है। ये देखिए यहाँ पर कुछ डिक्लेरेशन है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर फ्रॉम एकेडमिक ईयर 2021 फीस ऑफ द स्टूडेंट विल बी इंटर डायरेक्टली बाय इंस्टीट्यूट, जो भी आपकी फ़ीस है आप यहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं, जो भी आपकी फ़ीस जो है ना ये यहाँ पर जो भी आपकी फ़ीस है वो पहले ही 2021 में ही इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर डायरेक्टली इंस्टीट्यूट इंटर कर दिए, तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट इंटर करेंगी, आपको यहाँ पर फ़ीस इंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर इसके बाद ये सब इंफॉर्मेशन डालेंगे, उसके बाद आप कहाँ क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए सेव ड्राफ्ट का एक ऑप्शन है यहाँ पर आपको नज़र आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। भूल में भी ये फाइनल सबमिट पर क्लिक नहीं करेंगे, सबसे पहले किस पर क्लिक करेंगे सेव एंड ड्राफ्ट, ये जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है ना इस पर आपको क्लिक करना है। क्यों क्लिक करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि कभी एक आध गलती होती है तो वो गलती अगर आप फाइनल सबमिट करेंगे तो आपको वो गलती डबल से सुधारने के लिए नहीं मिलेंगी। अगर आप गलती को डबल से, अगर आपने जो भी मिस्टेक की है उसको डबल से अगर आपको एडिट करना है तो ये सेव ड्राफ्ट करने पर एडिट होता है, फाइनल सबमिट करेंगे तो उस पर एडिट नहीं होता है। तो ये ज़रा ध्यान रखिए, आप फाइनल सबमिट तभी कीजिए जब आप श्योर हो कि आपका फॉर्म जो भी आपने फिल किया है रिन्यू के लिए वो एकदम बराबर हो, उसमें सभी इंफॉर्मेशन करेक्ट हो, तभी आप फाइनल सबमिट करेंगे। सबसे पहले सेव ड्राफ्ट पर रखेंगे इसको, और अगर सही इन्फॉर्मेशन होंगी सब, दो तीन दिन वेट करके देखिए, किसको पूछिए आपके इंस्टीट्यूट में पूछिए, और यहाँ पर अगर फाइनल सबमिट आप करना चाहे तो फिर आप पूरी श्योर होने के बाद ही फाइनल सबमिट कीजिए, पूरा आपका जो भी आपने फिल किया वो सब इन्फॉर्मेशन सही होने के बाद ही फाइनल सबमिट कीजिए, अदरवाइज़ अभी से फाइनल सबमिट मत कीजिए, सेव ड्राफ्ट पर क्लिक कीजिए। फिर उसके बाद फाइनल सबमिट करने के बाद ये देखिए आपको यहाँ पर प्रिंट योर एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा, तो ये जो एप्लीकेशन है ना वो अभी आ नहीं रही है क्योंकि मैंने अभी एप्लीकेशन फाइनल सबमिट के बाद ही प्रिंट के लिए ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर फाइनल सबमिट करने के बाद ही वो प्रिंट का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर ये देखिए
फाइनल सबमिट में जैसे ही करता हूँ वैसे ही प्रिंट का ऑप्शन आएगा वहाँ पर। तो अभी मुझे मैंने फॉर्म फिल नहीं किया है, मैं भी यहाँ पर फॉर्म फिल करूँगा मेरा, और फिर उसके बाद फाइनल सबमिट करने के बाद फिर प्रिंट निकालने की, जैसे मैंने बताया वहाँ जाकर प्रिंट निकालें। प्रिंट निकालने के बाद फिर उसकी प्रिंट निकालने के बाद वो जो कॉपी होंगी और यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो होंगे ये सब अटैच करके आपके इंस्टीट्यूट में भी जमा करने पड़ेंगे, तो इंस्टीट्यूट फिर वेरीफाई करेगा उसको। तो फिर ये फॉर्म को वो उसके पास जाएंगा ना, इंस्टीट्यूट के पास, ये फॉर्म पहले सबसे पहले इंस्टीट्यूट के पास जाएंगा, फिर उसके बाद वहाँ से वेरीफाई होके आगे की तरफ जाएगा। तो इसी तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है अगर ऐसे ही रिन्यूअल करते हैं। तो कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिए। कुछ भी इस वीडियो में छुटाऊँगा तो हमें कमेंट करके बताइए ताकि नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर सके। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ।